बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व असहाबिही अजमाईन। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या खातमन नबियीन व अला आलिका व असहाबिक या अव्वलन नबीयीन व या आखिरन नबीयीन। मौला सल्लि वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क कुल्लिहिम। रब्बुल जलाल की हमदो सना और सैयदुल मुरसलीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहर बार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। रब्बुल जलाल का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने अकीदा मासूमियत के लिहाज से हमें हकीकत को बयान करने का शर्फ़ बख्शा, तौफीक दी और फिर इस पर इस्तिकामत अता फरमाई। तकरीबन 6 माह से, बल्कि इससे भी ज़ायद अरसा से ये बबाहिस जारी हैं और फिर दरमियान में 4 माह की असीरी का वक्त भी गुज़रा। अकायदे अहले सुन्नत पर ये एक ऐसा हमला था गैरों की तरफ से कि अगर इसका बरवक़्त जवाब न दिया जाता तो न जाने कितना नुकसान हो जाता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नैत से रब्बुल जलाल ने हमें तौफीक बख्शी और मैं ये समझता हूँ कि इस सिलसिला में शर्क व गर्ब में, पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरे आलम इस्लाम में जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, हिमायत की, एक लफ्ज़ के लिहाज से भी मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनके लिए दुआ गो हूँ। रब्बुल जलाल उन सब को इस अमल सालेह की बेहतरीन जजा अता फरमाए। चूँकि शुक्रिया अदा करना लोगों का एक शरी हुक्म भी है और बिलखसूस ये जो मौका था जिन हजरात ने फतावा दिए हमारी हिमायत में, हकीकत में ये अकायद अहले सुन्नत की हिमायत थी, हक की हिमायत थी, हक का साथ देना था। इस बुनियाद पर आज की इस गुफ्तगू के अंदर मैं उन तमाम अकाबरीन, शुयूखुल हदीस, मुफ्तियान किराम, सज्जादा नशीनान, उलमाए हक, कारकुनान अहले सुन्नत सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे लिए, मेरे हौसला अफजाई के लिहाज से इन तमाम हजरात ने भरपूर किरदार अदा किया और एक ऐसा तूफ़ान के जिसके पीछे कई हुकूमतें थीं, उस तूफ़ान के सामने खड़ा होना और फतह पाना, इसमें मैं इन तमाम अहबाब को अपने साथ कलमा हक में बराबर का हिस्सेदार समझता हूँ। अल्लाह ताला इन सब हजरात को बेहतरीन जजा अता फरमाए। इस सिलसिला में पाकिस्तान के तमाम सूबों से, आज़ाद कश्मीर से, पूरी दुनिया से इतनी जानदार हिमायत की गई और इतने कसरत से फतावा आए कि किसी एक नशिस्त में सब का इहाता करना बहुत मुश्किल है। तो आज इस सिलसिला की पहली गुफ्तगू में उलमाए हिंद जो हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिलखसूस आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, आपके अजीम खानवादा की तरफ से जो अकीदा मासूमियत के लिहाज से ताईद मिली, उसने पूरे आलम इस्लाम पर गहरे असरात मुरतब किए। लाखों लोगों का ईमान, करोड़ों लोगों का यकीन उससे महफूज हुआ, उसे तकवीयत मिली। नबीरा आला हज़रत कायद मिल्लत पीर तरीक़त रहबर शरीयत जानशीन हजूर ताजु शरिया काजीउल कुज़ात फिल हिंद हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती मुहम्मद असजद रज़ा ख़ान कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला सजादा नशीन आस्तान आलिया मुक़दसा बरेली शरीफ इंडिया, आपकी तरफ से एक फतवा की शक्ल में भरपूर हिमायत की गई और बड़ा वाज़े अंदाज में अकीदा अहले सुन्नत को उजागर किया गया। ऐसे ही नूरे दीदा हुज्जतुल इस्लाम खलीफा हजूर मुफ्ती आज़म हिंद बरादरे ताजु शरिया ताज मिल्लत अशाह किबला मोहम्मद मन्नान रज़ा ख़ान साहिब मन्नानी मियाँ
हाफिज़हुल्लाह ताला दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ से आपने बहुत पहले और बड़े भरपूर अंदाज से इस सिलसिला में मिल्लत की रहनुमाई की और बरेली शरीफ का जो एज़ाज़ है हमेशा हक का परचम बुलंद करना, आपने वो तारीख बरकरार रखी और बड़े आसान तरीक़ा से इस मसला में लोगों की रहनुमाई की। ऐसे ही शहज़ादा हजूर ताज मिल्लत खलीफा हजूर ताज शरिया ताजुल मशाइख हज़रत मुफ्ती मोहम्मद इमरान रज़ा खान साहिब किबला समनानी मियाँ हाफिज़हुल्लाह ताला खान का नूरिया रिजविया बरेली शरीफ आपकी तरफ से भी भरपूर तायद की गई, बल्कि वहाँ जामिया नूरिया रिजविया में एक बहुत बड़ा इजलास मुनक़द किया गया मुफ्तियाने किराम का और एक भरपूर एलामिया इस सिलसिला में जारी किया गया। ऐसे ही हज़रत मुफ्ती मोहम्मद राहत खान कादरी नायब सदर तहरीक फ़रोग इस्लाम मोहतमम दारुलूम फैज़ान ताजु शरिया बरेली शरीफ उनकी तरफ से भी भरपूर हिमायत की गई, बल्कि आपने तो एक किताब भी इस मौका पर तहरीर की जिसका ये उन्वान है कि ख़ताए इज्तिहादी सिफ़ते मदा है सिफ़ते ऐब नहीं। इस पर आपने बड़े जानदार दलाइल से इस चीज़ को वाज़े किया उलमा के लिए आवाम के लिए कि तौहीन का शोर मचाने वाले हकीकत से कितने दूर हैं और जिस चीज़ को तौहीन कह रहे हैं वो हरगिज़ तौहीन नहीं है, बल्कि वो अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ है जो 1450 सदियों के अंदर हर वक़्त अहले सुन्नत व जमात के अकायद का हिस्सा रहा। बरेली शरीफ से जो फतावा मौसूल हुए पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में वो तकसीम किए गए और उससे आमातुन्नास को बड़ी रहनुमाई मिली। मैं एक बार फिर इन तमाम नफूस कुसिया को खराज तहसीन पेश करता हूँ। हजूर ताजु शरिया कुदस सिरुल अज़ीज़ बंदाना चीज़ आपके लखते जिगर हज़रत मुफ्ती मोहम्मद असजद रज़ा ख़ान कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला कायद मिल्लत का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रगुज़ार है और हजूर ताजु शरिया के बरादर शेर रज़ा ताज मिल्लत हजूर मोहम्मद मन्नान रज़ा ख़ान साहिब मन्नानी मियाँ हाफिज़हुल्लाह ताला जिन्होंने अपने दस्ते शफकत से इस इंतहाई हसास मोड़ पर हमें हौसला बख्शा और अकीदा अहले सुन्नत के तहफ़ुज़ के लिए बरेली शरीफ का जो तुर्रा इम्तियाज़ है उसके मुताबिक इन्होंने बरवक़्त मिल्लत की रहनुमाई का फरीज़ा सर अंजाम दिया। उलमाए हिंद में से खानवादा हजूर सदरु शरिया उसने भी बरवक़्त किरदार अदा किया। इस सिलसिला में मुमताज़ुल फुकहा सुल्तानुल असातिज़ा शहज़ादा सदरु शरिया मुहद्दिस कबीर हज़रत अल्लामा अलहाज किबला मुफ्ती मोहम्मद ज़ियाउल मुस्तफ़ा कादरी अमजदी ज़ीदा शर्फ़ुहु सजादा नशीन आस्ताना आलिया कादरिया अमजदिया वबानी अलजामियातुल अमजदिया अर्रिज़विया इंडिया। हजूर मुहद्दिस कबीर जो है आपने बड़े ही गहरे मुताला की रोशनी में बड़े दो टोक अल्फाज के अंदर इस मसला के अंदर अपना कायदाना किरदार अदा किया और मुफ्तियाने अहले सुन्नत को भी आपने एक बेहतर अंदाज में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। बहुत पहले ही आपके कलिमात तैयबात से अंधेरे दूर हुए और हक की रौनक हर तरफ फैलने लगी। आपका फतवा भी आलमी इस्लाम में बहुत मकबूल हुआ और उसने भी बड़े दूर रस असरात इस सिलसिला में रवाफिज़ के रद्द में और अहले सुन्नत व जमात के अकीदा की हक्कानियत की वजाहत में बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। नवासा सदरु शरिया
खलीफा ताज शरिया बम्बई के शरी काजी हज़रत अल्लामा मुफ्ती महमूद अख्तरुल कादरी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला, हिंद से बम्बई से आपने इस सिलसिला में तहरीर व तकरीर से खुसूसी तौर पर अहले सुन्नत व जमात के मौकिफ की वजाहत करते हुए बंदना चीज़ की हिमायत की और अकीदा अहले सुन्नत को उजागर किया। हमारे रहबरे तरीकत हजूर ताजुश शरिया कुद्दिस सिरुल अज़ीज़ के खुलफा की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने इस मौका पर अपना फरीज़ा मनसबी निभाया और हक की हिमायत के लिए बरवक़्त किरदार अदा किया और एलानिया मसलक रज़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़े। खुलफाए ताजु शरिया में हज़रत मुफ्ती मोहम्मद साजिद अली मिसबाही जो कि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बम्बई के सरबरा हैं, उन्होंने अपनी तरफ से हिमायत का भरपूर इजहार किया। खलीफा हजूर ताजु शरिया मुफक्किर इस्लाम गाजी मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कलीम हनफी साहिब भारत से इन्होंने भी बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। खलीफा हजूर ताजु शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा सिद्दीकी हशमती आपने भी उत्तर प्रदेश इंडिया से बंदना चीज़ के मौकिफ की भरपूर हिमायत की। खलीफा हजूर ताजु शरिया हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शाकिर सैफी मिसबाही सदर शोबाए इफ्ता दारुल उलूम महबूबे सुबहानी बम्बई इंडिया आपकी तरफ से भी ऐलान हक हुआ और बड़ी तफसील से गुफ्तगू की गई। खलीफा हजूर ताजु शरिया हज़रत सैयद इकरामुल हक शाह साहिब कादरी सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम महबूब सुबहानी बम्बई इंडिया की तरफ से भी भरपूर हिमायत की गई। खलीफा हजूर ताजु शरिया हज़रत मुफ्ती मोहम्मद जुल्फ़कार खान साहिब नईमी नूरी इंडिया उनकी तरफ से भी इस मौकिफ को सच्चा करार देते हुए इसकी भरपूर हिमायत की गई। खलीफा हजूर ताजु शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती मकसूद आलम फरहत ज़ियाई साहिब कर्नाटक भारत उनकी तरफ से भी इस सिलसिला में भरपूर किरदार अदा किया गया। मजल्लतुर रिज़ा इंटरनेशनल उसमें हिंद के मुहक्किकीन ने अपने मजामीन रकम करके इस मौकिफ को उजागर किया और अपना हिस्सा इसमें शामिल किया। उनमें मुहक्किक के दौरान डॉक्टर अमजद रज़ा अमजद अर रज़ा इंटरनेशनल पटना उन्होंने मजमून बेहतरीन आर्टिकल इस सिलसिला में लिखा। प्रोफेसर फारूक अहमद सिद्दीकी साहिब मौलाना कमरुज़मान मिसबाही साहिब अल्लामा मौलाना हैदर रज़ा कादरी साहिब मौलाना सैयद मोहम्मद इकरामुल हक शाह साहिब मिसबाही मौलाना ग़ुलामी मुस्तफ़ा नईमी साहिब मौलाना मोहम्मद तारिक साहिब जिनका ताल्लुक बंगलोर से है, इन सब हजरात ने कलमी जिहाद में हिस्सा लिया और मसल के अहले सुन्नत को अकीदा मासूमियत के लिहाज से वाज़ किया। इसी रिसाला में मौलाना मुतीउर रहमान रिजवी मुजफ़रपुरी साहब ने शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर सियालवी साहब के फतवा की भरपूर तायद की जो फतवा बंदना चीज़ की हिमायत में लिखा गया। अल जामियातुर रिजविया इसके अंदर एक इजलास में इज्तिमाई फैसला रकम किया गया। मौलाना मुतीउर रहमान रिजवी साहब ने बंदाना चीज़ की हिमायत में फतवा जारी किया, गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की और बहुत से उलमा जो दूर दराज के इलाकों से थे उनसे टेलीफोनिक राबता करके ताईद हासिल की। उनमें मौलाना मोहम्मद सरफराज आलम रिजवी साहिब मुफ्ती वसीम सिद्दीकी साहिब मुफ्ती शमशाद अहमद बदायूनी साहिब मुफ्ती अनीस अहमद सेवानी साहिब मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल मालिक मिसबाही साहिब डॉक्टर मोहम्मद नजमुल कादरी साहिब मौलाना डॉक्टर शफी अहमद नूरी साहिब मौलाना मोहम्मद अजहरुल कादरी साहिब
क़ारी मोहम्मद कैसर रिजवी साहिब, सैयद वलीउद्दीन रिजवी साहिब, इन तमाम हज़रात से राबता करके अल्लामा मुतीउर रहमान रिजवी साहिब ने हमारी हिमायत में जो फतवा दिया था उसकी तायीद इन हज़रात से हासिल की। अपना भरपूर किरदार इन तमाम हज़रात ने अदा किया। इनमें से हर एक का मैं शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू इनको हर शर से महफूज रखे, और इन्होंने बरवक़्त जो किरदार अदा किया तहरीर व तकरीर के ज़रिए से हक़ की जो हिमायत की, रब्बे ज़ुल जलाल उसको अपने दरबार में कबूल फरमाए। सरज़मीन हिंद से एक और बहुत बड़ा उलमा का बोर्ड जिसने इस मौजू पर हिमायत की, वो यूपी हिंद से जामिया रिजविया बड़ा गांव, उसके अंदर एक बहुत बड़े इजलास में उलमा किराम को दावत दी गई और फिर एलामिया जारी किया गया। नाशिर मसलक के आला हज़रत तौकीर मिल्लत हज़रत मौलाना सूफ़ी मोहम्मद तौकीर रज़ा कादरी रिजवी साहिब बानी जामिया रिजविया यूपी हिंद, मुफक्किर इस्लाम शेख अदब हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर साहिब मिसबाही, माहिर इल्म फ़न हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सद्दाम हुसैन हबीबी, हज़रत अल्लामा मौलाना शाह सैयद मोहम्मद रुस्तम साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नसीम अहमद एहसानी, ये तमाम हज़रात भारत के मुख्तलिफ शहरों से इनका ताल्लुक़ है। हज़रत मौलाना मोहम्मद रेहान अहमद हबीबी, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फैज़ान उमर साहिब इलाहाबाद, हज़रत अल्लामा मोहम्मद अब्दुर्रशीद साहिब हैदराबाद दक्कन, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अलीमुद्दीन साहब इलाहाबाद, हज़रत हाफिज़ मोहम्मद मारूफ आशिकी साहिब, हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद नासिर रज़ा रिजवी साहिब, हज़रत मौलाना मोहम्मद शादाब साहिब, हज़रत मौलाना मोहम्मद मेराज अजीम साहिब, हज़रत मौलाना मोहम्मद इशफाक अहमद निज़ामी साहिब, कारी मोहम्मद शाहिद साहिब, अल्लामा मोहम्मद अबसार अहमद साहिब, कारी मोहम्मद नफीसुल्ला साहिब, मौलाना मोहम्मद इल्मुद्दीन साहिब, अल्लामा मोहम्मद नदीम अख्तर हबीबी साहिब, मुफ्ती मोहम्मद गुलशेर रज़ा साहिब, अल्लामा ग़ुलाम रब्बानी साहिब, मौलाना मोहम्मद अब्दुस्सलाम साहिब, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल माबूद हबीबी साहिब, अल्लामा मोहम्मद वकील अहमद साहिब, हाफिज़ मौलाना मोहम्मद रज़ा साहिब, ये तमाम उलमाए किराम जिन्होंने जामिया रिजविया के प्लेटफार्म से और जामिया रिजविया के बानी की दावत पर मुख्तलिफ इलाकों से हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की, बंदा नाचीज़ इन तमाम अहबाब का भी शुक्रगुज़ार है। और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू इन सब की सलाहियतों में बरकतें अता फरमाए, और जो इन्होंने हक़ की हिमायत की अल्लाह इन सब को उसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। उमूमी तौर पर आल इंडिया उलमा की तरफ से जो बंदाना चीज़ के मौक़िफ़ की हिमायत की गई और गिरफ़्तारी की मजम्मत की गई, उसके लिहाज से मखदूमुल मशायख गुलजार मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह सैयद गुलजार शाह साहिब जीदा शर्फ़ु इस्माइली वास्ती, इनकी तरफ से जो अलजामियातुल इस्माइलिया भारत के सरबरा हैं और भारत में इनका आस्ताना एक अथॉरिटी समझा जाता है, अकाबरीन में ये शुमार होते हैं, इन्होंने अपनी तरफ से अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है मासूमियत के लिहाज से बंदाना चीज़ की हिमायत में बड़े अच्छे और अहसन अंदाज से इन्होंने अपना किरदार अदा किया। मुनाज़िर इस्लाम मुफक्किर मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक रज़ा कादरी साहिब, हज़रत पीर सैयद मोहम्मद जाबिर अजमेरी साहिब आस्ताना आलिया खानका हैदरी शरीफ इंडिया,
हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़ैरोज़ुल क़ादरी मिसबाही साहिब बिहार इंडिया, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहिब बिहार इंडिया, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रमज़ान शमसी साहिब बिहार भारत, हज़रत अल्लामा पीर हफीज़ुर रहमान साहिब यूपी भारत, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इब्राहिम ओवैसी साहिब यूपी भारत, कारी इमरोज़ आलम बिहार इंडिया, आज़ाद अहमद बरकाती साहिब यूपी, उस्तादुल कुर्रा हज़रत अल्लामा मुबारक अली रिज़वी बरकाती साहिब मुदर्रिस दार उलूम नूर मुहम्मदी ज़िला बरोच गुजरात इंडिया, खलीफा है हजूर शेखुल इस्लाम व हजूर मन्नान रज़ा ख़ान मन्नानी मियाँ, हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़हीर अहमद मिसबाही साहिब सदर नूरी तरबियती सेंटर गुजरात इंडिया, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अलाउद्दीन साहिब कादरी रिज़वी सदर इफ्ता महकमा शरिया सुन्नी दारुल इफ्ता वल क़ज़ा बम्बई इंडिया, हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद महबूब साहिब गुजरात भारत, अल्लामा मौलाना मोहम्मद जाबिर रेहानी साहिब मुबल्लिग़ सुन्नी दावत इस्लामी ज़िला गुजरात भारत, हज़रत मौलाना मोहम्मद अदीब शहीर मोहम्मद अहमद रज़ा साबरी साहिब मुदीर अर रज़ा इंटरनेशनल पटना बिहार इंडिया, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद मोहम्मद रिजवान रिफाही साहिब महाराष्ट्र इंडिया, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद जावेद अख्तर नईमी साहिब दरगाह नक्शबंदिया मुजद्दिदिया पीर सरहंदी, बकियतुसलफ़ मुफ्ती आज़म हज़रत मौलाना मोहम्मद शम्सुल हुदा अर रिज़वी अल क़ादरी मुदर्रिस जामिया अशरफिया मुबारकपुर यूपी इंडिया, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान मज़हर बरकाती साहिब, हज़रत मौलाना मोहम्मद तारिक अनवर मिसबाही साहिब जो कि एडिटर हैं माहनामा पैगाम शरीयत दिल्ली, हज़रत मीर सैयद सुहेल अहमद कादरी चिश्ती वाहिदी सजादा नशीन खान का आलिया कादरिया वाहिदिया और सरबरा दारुलूम वाहिदिया शरीफ, ये यूपी के अंदर जो बिलग्राम है बिलग्राम शरीफ वहाँ से इन्होंने भरपूर हिमायत की। फ़कीर फिरदौसी मोहम्मद रमज़ान हैदर कादरी फिरदौसी इदारा खानकाह फिरदौसिया ये भी भारत से इन्होंने हिमायत की। ख़तीब यौरप वेशिया अल्लामा मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी साहब सरबराह आला सुन्नी जमीयतुल उलमा बिहार, मुफ्ती मोहम्मद हबीबुर रहमान रिज़वी साहिब सजादा नशीन खान का आलिया कादरिया बरकातिया नूरिया यूपी भारत, ये अमायदीन सजादा नशीन मुफ्तियान किराम ये एक बहुत बड़ी तादाद है भारत से जिन लोगों ने इस खुसूसी कावश के अंदर हिस्सा लिया। और एक जब तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा था अग्यार की तरफ से तो उसके मुकाबले में बंद बांधने के लिए ये तमाम हजरात सीना सपर हुए और बेहतरीन किरदार अदा किया। इन्हीं में कर्नाटक के सूफ़ी मोहम्मद तालिब अतारुल कादरी साहिब हैं। अल्लाह ताला इन तमाम नफूस कुदसिया को सलामत रखे, इनका साया मिल्लत पे तादेर सलामत रखे। रब्बे ज़ुल जलाल इनके तदरीस व तफहीम इनके मदारिस और खानकाहों में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए और हक का साथ देने पर इन सब को खल्के कायनात जल्ला जलालहू बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए। हिंद के साथ ही नेपाल के उलमाए किराम ने जो इस सिलसिला में किरदार अदा किया उसमें मुफ्ती आज़म नेपाल मुनाज़िर अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद उस्मान बरकाती अलमारूफ हजूर काजिये नेपाल इन्होंने खसूसी तौर पर किरदार अदा किया और इस हसास मौजू पर पूरे नेपाल के अंदर राबता करके तमाम अहले हक को इकट्ठा करके इन्होंने इज्तिमाई तौर पर फतवा सादर किया
और बड़े ही हसीन पैराए में हक को वाज़े किया। नेपाल की सरजमीन से अल्लामा हुसैन अहमद बरकाती साहिब, मुफ्ती मोहम्मद अब्दुस्सलाम अमजदी बरकाती साहिब, मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान मिसबाही साहिब, मुफ्ती कलामुद्दीन नौमानी साहिब, मुफ्ती मोहम्मद फजल हक मिसबाही साहिब, मुफ्ती मोहम्मद मुजीब कादरी साहिब, ये नेपाल के मुख्तलिफ़ शहरों से इनका ताल्लुक़ है। मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल मुस्तफ़ा अमजदी साहिब, मुफ्ती मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कादरी शमसी साहिब, मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब, मौलाना नईमुद्दीन साहिब, मौलाना मोहम्मद जमालुद्दीन बरकाती साहिब, मौलाना अबुल हक्कानी साहिब, मौलाना बिलाल बरकाती साहिब, मौलाना कमरुद्दीन रिजवी साहिब, मौलाना मोहम्मद असलम रज़ा साहिब, मौलाना मोहम्मद उमर रज़ा साहिब, मौलाना मोहम्मद इब्राहिम रज़ा नज़मी साहिब, मौलाना मोहम्मद तस्लीम रिजवी साहिब, मौलाना मोहम्मद रजबुल क़ादरी साहिब, मौलाना मोहम्मद अमीर हमज़ा साहिब, मौलाना ईसा बरकाती साहिब, मौलाना मोहम्मद मोइनुद्दीन कादरी साहिब, मौलाना मोहम्मद गुल रज़ा कादरी साहिब, अल्लामा इरशाद आलम साहिब, मौलाना मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम साहिब, मौलाना शहाबुद्दीन हनफी साहिब, मुफ्ती मोहम्मद फैरोज़ुल क़ादरी साहिब, मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहिब, मौलाना मोहम्मद रिजवान शमसी साहिब, पीर मोहम्मद हफीज़ुर रहमान साहिब, क़ारी मोहम्मद इमरोज़ आलम साहिब, इन सब हजरात ने इस सिलसिला में अपना किरदार अदा किया। इसके अलावा दीगर इलाकों से भी, जिनमें मौलाना तहमीदा आलम वेस्ट बंगाल से जिनका ताल्लुक़ है, मोहम्मद अकमल रज़ा रशीदी साहिब वेस्ट बंगाल से उनका ताल्लुक है, मौलाना मोहम्मद शहदाद रज़ा साहिब इनका भी वेस्ट बंगाल से ताल्लुक़ है, बाकी यूपी के मजीद उलमा मोहम्मद इब्राहिम ओवैसी साहिब, अल्लामा आज़ाद अहमद बरकाती साहिब, कारी इमरोज़ आलम साहिब और यूपी के पीर हफीज़ुर रहमान साहिब। ज़ाहिर है कि ये अभी इहाता नहीं हो सका उन तमाम हजरात का कि जिन्होंने इस सिलसिला में अपनी मिल्ली गैरत और जो मनसबी ज़िम्मेदारी थी उसे निभाया। वो एक बड़ी लंबी तफसील है, जो लोग जिनका रिकॉर्ड अभी तक हमें मौसूल नहीं हो सका और जिनका पहुंचा है, उनमें से भी कई नाम अभी रह गए हैं। इंशाल्लाह जो इसके बाद अगला स्टेप होगा उसमें भी ज़िक्र किया जाएगा उन हजरात का भी। और ये यकीनन इस नुक्ता नज़र से भी है कि आलम इस्लाम को पता चले कि आज भी आले हक के उलमा अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं और इस सिलसिला में आमतुन्नास को मज़ीद तस्कीन हो कि कितने मुफ्तियाने किराम जो हैं इस मौक़िफ़ के पीछे खड़े हैं और किस हद तक ये सच्चा मौक़िफ़ है और कितने सजादा नशीन शुयूखुल हदीस मुफ्तियान मुदर्रिसीन उन्होंने इस सिलसिला में अपने अपने फतावा अपने अपने मजामीन करारदादें एलामिये फैसले उन्होंने जारी किए। ये भारत और नेपाल के लिहाज से आज हदिया तशक्कुर की महफिल थी। रब्बे ज़ुल जलाल इन सब को बेहतरीन अजर अता फरमाए और इनके कलमा हक से दूर दूर तक रब्बे ज़ुल जलाल उम्मत के लिए अच्छे असरात अता फरमाए। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।